कितनी सदियां ना जाने खामोशी से यूं ही गुजरती रही कितनी सदियां ना जाने खामोशी से यूं ही गुजरती रही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे? आई होप कि सब ठीक होंगे। अभी आपने नोटिस किया होगा मैंने एक गाना प्ले किया और उसके अंदर एक नया कॉर्ड लगाया, और अब सारे सोच में पड़ गए होंगे यार ये कौन सा कॉर्ड है यार। वो आपको बता दूं, ये जी था ना, मैं ये बजाया, गुजरती रही, डी सी और जी बजा रहा था। और ये जो मैंने कॉर्ड जो बजाया ना, बेसिकली ये सी का मिक्सचर है। अगर आप गौर से देखें को नजर आए ये दो नोट्स, गुजरती रही, ये सी का मिक्स था। मैंने सिर्फ ये नोट नहीं बजाया था, इसको बोलते हैं सी एडेड सिक्स, इस तरह करके कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, अगर किसी ने पूछना था वो कमेंट कर दे। अच्छा, एनी हाउ, अब आज मैं आपको नेक्स्ट लेसन दूंगा। ठीक है, आपने उसको, ये मेरा 8th लेसन है। ठीक है, जिसने नहीं देखे या कोई बात मिसिंग है तो वो पिछले लेसन ज़रूर देखे, विजिट करे। ठीक है, तो मैं आपको नया लेसन दे रहा हूँ, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको नया कॉर्ड कराऊंगा, नया कॉर्ड नहीं कराऊंगा भाई, आज मैं आपको नया स्ट्रमिंग पैटर्न कराऊंगा। बहुत सारे कॉर्ड्स करा दिए, नया स्ट्रमिंग पैटर्न करवाऊंगा। ठीक है, चलें आज आपको स्ट्रमिंग पैटर्न आपका चेंज कराते हैं, बोर हो गए होंगे। वो आप देखते होगे कि बजा रहे हैं बच्चे, ठीक है, घबराना नहीं है, बताता हूं कैसे कर रहा हूं। इसमें क्या करना होता है, पोजीशन बड़ी गलत है, डाउन इसको बोलते हैं, डाउन चक। चक कैसे करते हैं, आप जो अपना रिस्ट का ये वाला हिस्सा है ना, ये और पिक, आपने एक साथ गिटार के ऊपर लगानी है, चक, ऐसे आवाज आनी चाहिए। अगर आप इसको बैक पे प्ले करेंगे, इस जगह प्ले करेंगे तो वो इस तरह आवाज आएगी। मैं आपको बेटर आइडिया दूं तो अभी आप ना कॉर्ड ना बजाएं, तो आप इसको ऐसे म्यूट करके गिटार को यूं प्रैक्टिस करें, डाउन, पहले ओपन स्ट्रम करना है, डाउन चक अप, डाउन चक अप, अप चक अप, डाउन चक अप, अप चक अप। स्लो करता हूं, गौर से सुन ले, डाउन चक अप, अप चक, डाउन चक अप, अप चक अप। मेरे साथ बोलें और साथ प्रैक्टिस करें, डाउन चक अप, अप चक अप, डाउन चक अप, अप चक अप। मैं दरमियान में एक जगह थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ, आपने उसी तरह गैप देना, आपको बाद में पता लगेगा कि मैं किस लिए गैप दे रहा हूँ। गौर से सुने स्ट्रमिंग पैटर्न में क्या बजा रहा हूँ, मेरे साथ प्ले करें उसके बाद, डाउन चक अप, अप चक। चक कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे, पहले ये प्रैक्टिस कर ले, 5 मिनट आप ये प्रैक्टिस कर ले ऐसे। ठीक है, फिर स्लो, डाउन चक अप, अप चक अप, डाउन चक अप, अप चक अप। और अब जब आप बिल्कुल कॉर्ड नहीं बजाना अभी, ठीक है, और जब आप कॉर्ड प्ले करने लगोगे ना स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ, तो इस तरह की आवाज़ आएगी, लाइक ये देखो, ई माइनर बजाने लगो, ई माइनर आपको बताया था, ई माइनर ऐसे बजता, डाउन चक। बोलना है साथ साथ, बोलना है स्ट्रमिंग पैटर्न, बोलना है और प्ले करते जाना, डाउन चक अप, अप चक अप, डाउन चक अप, अप चक अप, डाउन चक अप। मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है, कम ऑन, स्टार्ट, रेडी हैं आप? ओके, डाउन चक अप,
up, chuck up, down, chuck up, 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 up, chuck up, down, chuck up. 10-15 मिनट ना प्रैक्टिस करें, उसके बाद जाएं पानी पिए, टहलें, उसके बाद फिर टहलना नहीं, अगर बजाते ही रहना तो फिर प्रैक्टिस करते रहें, मुसलसल प्रैक्टिस करते रहें. उसके बाद जब आप कोई भी कॉर्ड पकड़ेंगे ना तो वो इस तरह का साउंड करेगा. मैं आपको अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने लेसन में बताया था ना कि ये शिफ्टिंग प्रैक्टिस कर लें, शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ही आपको मज़ा आएगा इन स्ट्रमिंग पैटर्न्स का. इसलिए मैं स्ट्रमिंग पैटर्न्स की तरफ नहीं आ रहा था, कॉर्ड्स करवाएं ज़्यादा, कॉर्ड्स की शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वो आपने शिफ्टिंग जो आपकी जिसकी परफेक्ट होगी ना, टाइमिंग, किसी को टाइमिंग का इशू आ रहा होगा वो नीचे कमेंट करे, किसी किस्म का कोई इशू आ रहा होगा मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा कैसे करना है आपने. अब मैं आपको प्ले करने लगा हूं, मेरे साथ प्ले करें. ई माइनर से स्टार्ट करेंगे हम, डाउन चक अप, अप चक अप, डाउन चक अप, अप चक अप, डी चक अप, अप चक अप, सी मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले एक ही कॉर्ड के ऊपर ना आप ये स्ट्रमिंग पैटर्न प्रैक्टिस करते रहें, एक ही स्ट्रमिंग पैटर्न एक कॉर्ड के ऊपर, या उससे पहले, उससे भी पहले अगर आपको मुश्किल हो रही है स्ट्रम करने में तो सिर्फ आप म्यूट करें. ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इनको फॉलो कीजिएगा ताकि फिर आपको बाद में समझ आएगी कि मैं किस तरह गाइड कर रहा था, ठीक है. इस तरह डिस्टर्ब मत हो जाइएगा, कॉर्ड्स भी बजाने हैं साथ ये भी करते रहें, नहीं एक काम करें पहले, एक काम करें, ठीक है. एक काम मैंने आपको बताया, आपके हाथ लर्न करते हैं, जब आपके हाथ सीख जाए ना फिर जो मर्जी करते रहना, ठीक है. डाउन चक अप, अप चक अप, डाउन चक अप, अप चक अप, डाउन चक अप, अप चक अप, डाउन चक अप, अप चक अप. ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं उनसे छुपाएं मत, उनसे शेयर करें, ठीक है. आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको सीखने मिलेगा, ठीक है. थैंक यू, नेक्स्ट लेसन के साथ आपको मिलता हूँ. अल्लाह हाफिज़.